हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 3.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया था मैंने। आज हम लोग इसका प्रश्नावली हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 पहला क्वेश्चन है बच्चों, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? ठीक है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो क्लास में मैंने नोट के माध्यम से आपको समझाया था, आप यहां से आंसर उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, पहले वाले प्रश्न का ये उत्तर होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? सरल एवं बंद आकृति, ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है तथा बंद हो, ऐसी आकृति सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिभाषा कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। अब इसके बाद प्रश्न में कहा गया, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो उदाहरण में क्या करेंगे बच्चों, आप ये पूरा चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से एक रेखा है, यहाँ पर एक आकृति है, यहाँ पर एक आकृति, यहाँ पर एक आकृति है। तो ये सब कैसी आकृति है बच्चों? सरल आकृति है और ये आकृति खुली हुई है। ठीक है, सरल आकृति है और आकृति क्या है बच्चों? खुली हुई है। यहां पर आप उदाहरण दे देंगे कि आकृति सरल है और यह आकृति बंद है। यह आकृति सरल क्यों है? क्योंकि यह कहीं भी अपने आप को स्वयं को काटती नहीं है। और एक उदाहरण आप आकृति का ये वाला बना देंगे, इस तरह से आकृति बनाकर एक दूसरे को काटते हुए, और यहां पर लिखेंगे सरल आकृति नहीं है क्योंकि यह स्वयं को काटती है। तो यह आकृति अपने आप को काट रही है इसलिए यह आकृति सरल नहीं है, और ये आकृति सरल है और खुली हुई है, और ये आकृति सरल एवं बंद आकृति है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या बच्चों? निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है व सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। बच्चों मैंने बंद और खुली आकृति और अवतल और उत्तल आकृति बहुत अच्छे से पिछले वीडियो क्लास में मैंने समझाया था, आप लोग वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा उत्तल और अवतल आकृति क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली आकृति है बच्चों, यह सरल है, बंद है और यह उत्तल आकृति है। ठीक है, क्या है बच्चों? सरल है, बंद है एवं उत्तल आकृति है। ठीक है, उत्तल आकृति क्या होती है? जब हम किसी आकृति में उसकी विकर्ण को खींचते हैं यानी बनाते हैं, तो सारे विकर्ण जो हैं वो अंदर ही रहते हैं हमारे किसी भी बहुभुज के। ठीक है, और उसका आंतरिक कोण जो है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, ये वाली आकृति देखिए यहाँ पर खुली हुई है, तो यह आकृति हम क्या लिखेंगे? सरल एवं खुली आकृति है। ठीक है, ये बंद है, ये खुली आकृति। ये देखिए आकृति अपने आप को काट रही है, तो हम लिखेंगे सरल आकृति नहीं है। क्यों सरल आकृति नहीं है? क्योंकि अपने आप को स्वयं को काट रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आकृति यह दिया हुआ है, तो इस आकृति में यह सरल आकृति है सबसे पहली बात। दूसरी बात, यह आकृति बंद है और यह आकृति अवतल आकृति है। अगर आप देखिए तो यह जो एक ये कोण है, एक यहाँ पे कोण है, एक यह कोण है, लेकिन जब ये जो कोण है आपका, ये 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री के बीच में है। तो यह कोण जो है 180 डिग्री से ज्यादा है, और जब हम इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक, ठीक है, इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक अगर हम विकर्ण बनाते हैं, तो यह विकर्ण बहुभुज के बाहर होगा यानी आकृति के बाहर होगी। ठीक है, इस शीर्ष का जो आसन्न शीर्ष है वह ये वाला शीर्ष है, और आसन्न शीर्ष ये वाला है, और आसन्न शीर्ष को छोड़कर हम शीर्ष को दूसरे शीर्ष से जोड़कर विकर्ण खींचते हैं यानी विकर्ण बनाते हैं। तो इसका विकर्ण जो है बहुभुज के बाहर बनेगा, इसलिए यह अवतल आकृति है। अवतल आकृति क्या होती है? जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 से कम, यानी 360 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे वाले प्रश्न का हल। तो चलिए बच्चों, वो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए षटभुज का नाम। चलिए अब हमारा बच्चों तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है प्रश्नावली का? नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए चित्र बना दिया, बना हुआ है आकृति। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी भुजा को गिनेंगे। तो देखिए एक भुजा, ये दो भुजा,
ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। यानी इस आकृति के इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? छह भुजाएं हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों छह भुजाएं। ठीक है, कितनी भुजाएं हैं बच्चों? छह भुजाएं। और जिस बहुभुज की छह भुजाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं षटभुज। उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम षटभुज कहते हैं। और भुजा को हमेशा हम एन से दर्शाते हैं। तो एन बराबर छह, यानी कि इस बहुभुज में छह भुजा है और एन क्या है बच्चों? भुजा को दर्शाता है। तो एन बराबर छह यानी ये एक षटभुज है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आकृति दी गई है और हमें विकर्णों की संख्या बतानी है और विकर्ण को खींचना भी है। ठीक है, उसके सभी संभावित विकर्ण खींचने हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें विकर्ण खींचना होता है तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसमें विकर्ण कितने बनेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है, जो सूत्र है एन ब्रैकेट में एन माइनस तीन बटे दो। इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा। तो यह षटभुज है। मान लीजिए हम विकर्ण बनाते हैं बिना विकर्णों की संख्या ज्ञात किए हुए, तो हो सकता है हमसे एक या दो विकर्ण छूट जाए। और अगर हम सूत्र में रख कर विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस षटभुज में कितने विकर्ण बनेंगे और हम उसे अच्छे से बना पाएंगे। तो यहाँ पर एन बराबर क्या है बच्चों? छह है, क्योंकि ये हमारा षटभुज है। और हमारा सूत्र क्या है? सूत्र है बच्चों एन ब्रैकेट में एन माइनस तीन बटे दो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जो हमारी भुजाओं की संख्या एन दी गई है वह हम सूत्र में एन को रखेंगे। तो एन को यहां पर क्या रखेंगे? हम छह रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? छह। ब्रैकेट में एन की जगह हम छह रखेंगे, छह माइनस तीन बटे दो। ठीक है, यानी कि छह और छह माइनस तीन कितना हो गया? छह में छह माइनस तीन का कितना क्या है? गुना है। तो छह गुना छह माइनस तीन कितना हो गया बच्चों? तीन बटे दो। ठीक है, दो से यह छह कितने बार में कट गया? दो त्रिका छह, तो ये हो गया बच्चों हमारा तीन गुना तीन बराबर नौ। ठीक है, तो हमारे विकर्णों की संख्या क्या निकल गई? नौ निकल गई। ठीक है, विकर्णों की संख्या, तो ये क्या बच्चों हमारा निकल गया है? विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कितना हमारा निकल गया? विकर्णों की संख्या हमारा निकल गया नौ। यानी कि षटभुज में, ठीक है, षटभुज में जो विकर्ण बनेंगे वो नौ विकर्ण बनेंगे। तो अब हम विकर्ण को खींचेंगे। चलिए बच्चों, अब हम तो विकर्ण की संख्या हमने निकाल ली, अब हमें पता है कि षटभुज में नौ ही विकर्ण बनेंगे। तो हम विकर्ण बनाते जाएंगे और उसे गिनते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? विकर्ण को खींचना शुरू करते हैं। हमें पता है किसी भी शीट से उसके आसन्न शीर्ष को छोड़कर सभी शीर्ष के साथ हम उसको विकर्ण बना सकते हैं। तो इस शीर्ष को हम लोग लेंगे और ये दोनों आसन शीर्ष को छोड़कर हम विकर्ण खींचेंगे। तो इस शीर्ष से हम इस शीर्ष को, फिर इस वाले शीर्ष को, फिर इस वाले शीर्ष को जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण बनाते हैं इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक, एक विकर्ण। ठीक है, ये हमारा बन गया दूसरा विकर्ण। ठीक है, और ये हमारा बन गया ये तीसरा विकर्ण, यानी तीन विकर्ण हमारा बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों? इस वाले शीर्ष से इन दोनों शीर्ष को, आसन शीर्ष को छोड़कर हम दूसरी तरफ विकर्ण बनाएंगे। तो एक दो तीन विकर्ण हम बना चुके हैं, यहां पर हम इस तरह से लिख लेते हैं, तीन विकर्ण हमने बना लिए। अब इस वाले शीर्ष से हम इस वाले शीर्ष को मिलाएंगे। ठीक है, विकर्ण खींचेंगे, एक विकर्ण यानी चौथा विकर्ण, और ये हो गया हमारा ये पांचवा विकर्ण। ठीक है, यानी दो विकर्ण हमने और बना ली, तीन दो पांच विकर्ण हमारा बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, इस शीर्ष से इस शीर्ष को जोड़ देंगे, पांच बन गया था, ये हो गया हमारा छह विकर्ण और ये बन गया हमारा सात विकर्ण, यानी दो विकर्ण और हमने बना लिया, तीन दो पांच और छह सात विकर्ण हमारा बन गया। अब देखिए और कहां हम विकर्ण बना सकते हैं? इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष को जोड़कर, इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष को जोड़कर। ठीक है, तो सात हम बना चुके हैं, ये हमारा हो गया विकर्ण आठवां। ठीक है, तो ये विकर्ण हमने खींच लिया, ये हमारा बन गया आठ विकर्ण, और यहां से इस शीर्ष को जोड़ेंगे तो ये बन गया हमारा एक और विकर्ण, यानी कि नौ विकर्ण। तो हमारा षटभुज में जो है वो नौ विकर्ण बनकर तैयार हो गया। चलिए हम
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो हमेशा जब भी विकर्ण बनाना हो तो बहुभुज में उसके सूत्र को याद रखिएगा। उस बहुभुज का सूत्र बहुभुज का एन का जो भुजा होगा वो लिखकर इस सूत्र में रखकर हम विकर्ण की संख्या ज्ञात कर लेंगे और फिर विकर्ण को खींच लेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, यानी कि चित्र में क्या बच्चों, कार बनी हुई है। बीच में चौकोर आकार का मैदान है जो हमें दिख रहा है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है, कितनी बहिर्भाग में है। ठीक है, बहिर्भाग में है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये मैदान है घिरा हुआ है, बंद दिख रहा है, इसमें अंदर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो अभ्यंतर को अंदर, यानी अंदर वाला कितने हैं बच्चों, 5 है। तो हम यहाँ लिख देंगे अभ्यंतर बराबर 5। और बाहर यानी बहिर्भाग जो है वो बाहर कितने हैं, तो 1, 2 और यह 3 है। तो यहाँ लिख देंगे हम 3। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न।